फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं, एक डोरबेल है हमारे पास और एक ये स्विच है, इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये कनेक्शन करके दिखाऊंगा और ये ऐसे ये भी दिखाऊंगा कि ये डोरबेल के अंदर ये कैसे काम करता है, मतलब इसको ऑपरेट, इसको ओपन करके खोल के दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम डोरबेल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, कई डोरबेल होती है जो कि एसी और डीसी दोनों पे काम करती है, कई काम करती है सिर्फ डीसी पे यानी कि सेल से डलती है, और कई जो डोरबेल होती है फ्रेंड्स वो सिर्फ एसी से ही चलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एसी ओनली, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर सिर्फ एसी सप्लाई, जो हमारे पास घर में जो 220 वोल्टेज आती है उसी से सप्लाई से ये चलने वाली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो इसकी कनेक्शन होते हैं वो हम इन्वर्टर से कनेक्शन करके छोड़ते हैं इसके। अगर किसी के घर में इन्वर्टर नहीं है तो उसको हम 220 जो हमारे घर में सप्लाई आती है उसी से इसके साथ कनेक्शन करके छोड़ देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, एक ये डोरबेल का पुश बटन होता है, यानी कि इसको एक बार दबाएंगे, दबा के वापस छोड़ देंगे तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो ये वाला इसका बेल स्विच होता है फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक बेल घंटी का बटन भी, सॉरी घंटी का निशान भी होता है, और पीछे से इसके दो टर्मिनल होते हैं जैसे वन वे स्विच के अंदर होते हैं। तो इसके कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले जो हमारा ये बोर्ड है फ्रेंड्स, ये हमारे घर के बाहर जो गेट होता है, एंट्री गेट होता है, वहां पे लगेगा और वहां पे हम इस स्विच को इस तरह से लगा लेंगे। तो हम जल्दी से इसको लगा लेते हैं, फिर इसके कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये स्विच लगा लिया है, आप ये देख सकते हैं, इसको पुश स्विच बोलते हैं फ्रेंड्स, बेल पुश बटन, बेल पुश बटन यानी कि ये बेल के लिए होता है, और पुश करके इसको छोड़ देंगे तो अपने आप अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो इसके कनेक्शन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो इसकी जो वायर होती है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही छोटी वायर होती है जो हमारे घर में लगती है, यहाँ पे इसकी दोनों वायर के साथ हम इसके साथ वायर जोड़ के लेके आते हैं। तो हम इसकी सबसे पहले, हम एक वायर को समझने के लिए हम इसकी सबसे पहले हम एक वायर जोड़ेंगे फ्रेंड्स, इसके साथ एक वायर थोड़ी, ये इसके कंडक्टर जो इसका अंदर का वायर होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही कमज़ोर सा होता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से छीलना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये छील लिया है और इसके साथ में हमने ये एक वायर कनेक्ट कर लिया है। वायर कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमने टेप ज़रूर लगानी है, क्योंकि इसके अंदर एसी सप्लाई होगी और कहीं ना कहीं अगर ये टच हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और या फिर कुछ, मतलब कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, इसलिए हमें इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेप लगा देंगे, और जो ये फ्रेंड्स वायर जो हमने जोड़ी है ये हमारी चली जाएगी, जो हमने स्विच बोर्ड लगाया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको हम एक बार टाइट कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने ये स्विच बोर्ड लगाया है, स्विच बोर्ड के इनके टर्मिनल पे पहुँचेगी। तो हम इसको थोड़ा सा समझाने के लिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और इसको छील लेते हैं। छीलने के बाद फ्रेंड्स, इसका जो ये पॉइंट है, ये जो वायर का ये वाला पॉइंट है, इस वायर को हम क्या करेंगे, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे हम इसको जोड़ देंगे। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्विच के ऊपर वाला पॉइंट हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया है, और इसको अच्छे से यहाँ पे टाइट कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे जुड़ जाता है इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका एक वायर बचा हुआ है यहाँ पे, इस वायर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल डायरेक्ट जाता है घंटी के अंदर, न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वायर जोड़ेंगे जो कि न्यूट्रल जाएगा। ये घंटी आपको पता है एसी से चल जाएगी इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर 220 वोल्टेज जाने वाली है। तो जो न्यूट्रल वायर है फ्रेंड्स, उसको हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे इसमें। तो इसके ऊपर भी हम अच्छे से टेप लगाएंगे, पीवीसी टेप होती है फ्रेंड्स, इसको लगाना बहुत ही जरूरी होता है अगर हम कहीं पे इलेक्ट्रिकल का ज्वाइंट लगा रहे हैं तो, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अभी बारी आती है फ्रेंड्स हमारे फेज वायर की, फेज वायर हमें कहाँ पे जोड़ना है वो हमें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा स्विच है फ्रेंड्स, स्विच के जो नीचे वाला पॉइंट है, आप ये देख सकते हैं स्विच का ये नीचे वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, इसके नीचे वाले पॉइंट पे हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, ठीक है। ये कनेक्शन ऑलमोस्ट रेडी यानी कि कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम इसको चला के दिखाएंगे, चलाने के बाद इसको ओपन करके भी आपको दिखाएंगे कि कैसे ये वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, हमारे 220 वोल्टेज के लिए हमने यहाँ पे एक ही एक्सटेंशन बोर्ड लिया है, इसके अंदर हम फेज और न्यूट्रल देख लेते हैं कौन सी साइड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा फेज है, ठीक है, ये फेज है और ये न्यूट्रल है। तो व्हाइट कलर की इसमें और रेड कलर की इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो इसको दोनों साइड से हम छील लेते हैं, छिले हुए है ये, इसको थोड़ा सा इस तरह से मोड़ देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको अंदर व्हाइट कलर की लगा देते हैं और इसके अंदर रेड कलर की। तो हमारा ये फेज हो गया, अभी हम इसको ऑन करेंगे,
ठीक है। तो अभी आपने देख लिया कि फ्रेंड्स बेल स्विच के किस तरह से इसके साथ कनेक्शन किए जाते हैं। तो ये तो हो गए इसके फ्रेंड्स इसके साथ कनेक्शन। अभी हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो हम इसका जो ऊपर का ढक्कन है इसको हम हटा लेते हैं और ये आप ये देख सकते हैं इसको जब दबाएंगे तो इसके अंदर क्या मोमेंट होने वाली है। थोड़ा ऊपर से आपको दिखा देता हूं अच्छे से आपको पता लग सके ताकि। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं इसके अंदर क्या होता है। फ्रेंड्स ये एल्यूमिनियम की दो यहां पे प्लेट लगा रखी है, ठीक है, और यहां पे एक ये क्वाइल दी हुई है, क्वाइल दी है और इसके अंदर ये एक स्प्रिंग है और इसके अंदर एक ये लोहे की या कुछ किसी भी चीज की बार लगा रखी है, यानी कि एक ठोस एक कीली लगा लीजिए। ठीक है, जब इसके अंदर हम यहां पे सप्लाई देते हैं, ठीक है, यहां पे क्वाइल के अंदर जब सप्लाई आती है तो ये मैग्नेट बनती है इसके अंदर। जब मैग्नेट बनती है तो इसके अंदर जो भी कंडक्टर है उसको खींचती है, ये मैग्नेट बनेगी जो लोहे की चीज है उसको ये खींचेगी। खींचने के बाद जब खींचती है तो ये बैक साइड में यहां तक निकल आती है कि ये इसको टच हो जाती है और जब इसको हम छोड़ते हैं तो ये वापस इस साइड वाले पे लगती है। तो इसलिए ये काम कर रही है, इस तरह से बज रही है ये। ठीक है, जब अभी आप देखना इसको हम दबा के रखेंगे, दबा के रखे अभी छोड़ दे। ठीक है, इस तरह से ये काम करती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी आपने सीख लिया कि किस तरह से हम एक बेल स्विच और बेल के डोर बेल के कनेक्शन कर सकते हैं और आपको मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि कैसे ये काम कर रहा है। कहीं कहीं पे जो हमारी ये डोर बेल होती है फ्रेंड्स इसके अंदर तो ये क्वाइल है लेकिन कहीं पे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड भी होता है जिसके अंदर ये गाने वगैरह बजते हैं या फिर कोई भजन वगैरह बजता है, कुछ भी लगा लीजिए। अलग अलग डोरबेल का अलग अलग सिस्टम होता है क्योंकि कई जगह पे वाईफाई के हिसाब से भी आती है। ठीक है, तो अलग अलग डोरबेल का अलग अलग हिसाब है। यहाँ पे जो हमारे पास जो बेल है उसका मैं ये फंडा समझा रहा हूँ आपको, ये आप घर पे भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो इस तरह की आप बेल को घर पे बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि जो हमें कॉपर की वायर उसको लपेटा और वहां पे उसके अंदर से एक कील को डाल दिया और उसके अंदर एक स्प्रिंग इस तरह से होल्ड कर दिया कि वो वापस उसी पोजीशन में आ सके, तो इस तरह से ये काम करने लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में आपने देख लिया कि फ्रेंड्स बेल स्विच और डोर बेल के कनेक्शन कैसे करते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।